Namaste friends. I hope you all are doing absolutely fine in your lives. Survival of the fittest. आप लोगों ने सुना तो ज़रूर होगा. In fact, बहुत सुना होगा. आज की डेट में अगर बात किया जाए तो इसे आप AI कह सकते हैं. Chatbots, androids, droids, humanoids, or you can say it simply bots. ये सारे के सारे AI का हिस्सा होते हैं. चलिए, let's go back to 1959. John McCarthy, जिनको AI का फादर कहा जाता है, he was the first one who coined the term called artificial intelligence. तब से लेकर आज तक इस पर hundreds of research हो चुके हैं, numerous resources use हो चुके हैं AI को develop करने के लिए. They wanted to make a human civilization much more advanced and they wanted to make machines thinking or making themselves much better versions than they were before, just like humans. In simply words, we can say that they wanted to make a machine which can rectify itself or has a reasoning or questionable capability like a human brain has. Recent sa quote hum log baat karte. I told them to stop developing AI much. It's dangerous. All the great people in our current generation, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Vladimir Putin, Stephen Hawking, ye sare ke sare log AI ko ek khatra mante hain. Kyunki AI ek aisa machine hai jo ki apne aap ko khud se rectify kar sakta hai. Ya fir aap aisa bhi bol sakte hain, ek misal ke taur pe, what is a genius for you? A genius is not a person who finds solutions to every problem, but also finds sustainability to every problem that it comes across. That is what is known as a genius. मतलब के अगर मैं एक प्रोग्राम डिज़ाइन करूँ, एक प्रोग्राम में बनाऊँ जो कि खुद को रेक्टिफाई कर सकता है या रिक्वायरमेंट्स चेंज कर सकता है एज पर टाइमिंग, उसे AI कहते हैं. In simple words, it doesn't need you. आज की डेट में आपके फोन्स पर एटलीस्ट 100 ऐप्स तो होते ही होंगे. हर एक ऐप आपसे एक्सेस परमिशंस मांगता है. हर एक ऐप, इसका मतलब कि एक डेटा स्टोर कर रहा है कहीं ना कहीं क्लाउड में या उनके सर्वर्स पर, या आप जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक फिजिकल ड्राइव में स्टोर करता है अपने एक सर्वर पर, अपने एक सर्वर के छोटे से हिस्से पर जिसमें हार्ड ड्राइव फिक्स हो और उसमें आपका डेटा ये स्टोर करता है. इन सभी ऐप्स को एक्सेस परमिशंस चाहिए. कुछ ऐप्स को तो एक्स्ट्रा एक्सेस परमिशंस चाहिए. फॉर एन एग्जांपल, अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स ले लें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें आपके बारे में हद से ज़्यादा जानकारी होती है. आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, किस काम के लिए आए हैं, क्या डायल कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट दे कैन अज्यूम आप क्या आगे करने वाले हैं. ओके, सो AI इज़ अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज अ डेटा. AI एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक चीज़ को डेटा के तौर पर आंका जाता है. AI में हर एक चीज़ को एज्यूम करके लीनियर इक्वेशंस पर सॉर्ट आउट किया जाता है, बिकॉज लीनियर इक्वेशंस आर ईजियर टू सॉल्व एंड दे रिक्वायर सर्टन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक्स वाई जी ए, आप कुछ भी बोल सकते हैं. वो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से बढ़ता जाएगा, लीनियर इक्वेशन लीनियरिटी में बढ़ता जाएगा. इसीलिए एक लीनियर इक्वेशन को कंसिडर किया जाता है एक AI मॉड्यूल बनाने के समय. गाइस, मैंने पूरी कोशिश की है कि एक वीडियो को डॉक्यूमेंट्री के तौर पर पेश किया जाए आप लोगों के सामने. इससे क्या होता है गाइस, दैट यू ऑल विल व्यू इट फ्रॉम अ साइंटिफिक और अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, रादर देन चेकिंग इट थ्रू अ क्लास बोर्ड और अ
or a classroom or a study board kind of session. So I would request you all to please like, comment, share and subscribe to my channel. Guys, आप लोग हर एक वीडियो में ये सुनते होगे, हर एक चैनल में ये सुनते होगे, but it really matters to us as YouTubers. I would request you all to please like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you so much. Take care. Bye.